नमस्कार प्रिय दर्शकों हाजिर हूं मैं सात अक्टूबर 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज गुरुवार है आश्विन मास शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है जो दिन में तीन बज करके बारह मिनट तक है और इसके पश्चात द्वितीय है चित्रा नक्षत्र है रात्रि ग्यारह बज करके पचास मिनट तक और इसके पश्चात स्वाति नक्षत्र है वही ध्रुति योग बव करण है बात हो गई पंचांग की चंद्रमा आज कन्या राशि में है प्रातः दस बज करके अट्ठारह मिनट तक और इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में ग्यारह बजकर के बाईस मिनट से दोपहर बारह बजकर के नौ मिनट तक का होगा वही राहुकाल दोपहर एक बजकर के तीस मिनट से तीन बजे तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए प्रिय दर्शकों आज से शारदीय नवरात्रि का आरंभ होने जा रहा है नौ दिनों तक हालांकि इस बार की नवरात्रि आठ दिनों की है तो हम मां भगवती जगत जननी जगदम्बा की आराधना करेंगे जो भी साधक जहाँ भी हैं माँ की वो आराधना करेंगे तो इन नौ दिनों में राशिफल में दिव्य महाप्रयोग में प्रत्येक दिन माँ भगवती की किस विधि से आराधना करनी है ये आपको मैं बताऊंगा दिव्य महाप्रयोग में ज्योतिषीय सूत्र तो चलते ही रहेंगे माँ भगवती की आराधना कैसे करनी है ये भी हम जानेंगे तो आज प्रथम दिवस शैलपुत्री की आराधना कैसे करनी है ये जानेंगे और एक ज्योतिषीय सूत्र बताऊंगा एक योग के बारे में बताऊंगा अगर यह योग आपकी जन्म कुंडली में है तो निसंदेह यह आपको सफल तो बनाएगा ही अपने कुल खानदान में आप सर्वोपरि से सिद्ध होंगे आपके जितना सफल कोई नहीं होगा तो कैसे बनता है ये योग यह हम जानेंगे दिव्य महाप्रयोग में दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं तो वहीं सूर्य मंगल और बुध साथ ही साथ चंद्रमा ये चारों ग्रह युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं दस बजे के बाद ये चंद्रमा जब राशि परिवर्तन करेंगे परिवर्तन करके तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे केतु और शुक्र युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं तो वहीं देव गुरु बृहस्पति शनि के साथ युति बनाकर मकर राशि में अवस्था में संचरण करेंगे तो चंद्रमा के आज राशि परिवर्तन करते ही गज केसरी योग का निर्माण गोचर कुंडली में होगा हालांकि ऐसे चंद्रमा पर शनि की दृष्टि भी पड़ेगी तो ये स्थिति आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली है चित्रा नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा ये मंगल का नक्षत्र है हालांकि दिन गुरुवार का है सो मंगल के नक्षत्र में होने से भी कोई ज़्यादा उग्रता उत्पन्न तो नहीं हो पाएगी और होगी भी तो वहां बुद्धिमत्ता से गुरु रूपी ज्ञान से इस उग्रता को संभाला जाएगा इसका प्रभाव आम जनमानस पर पड़ता है आप अगर गोचर की स्थिति को ध्यान में रखेंगे तो आप पाएंगे कि केवल कोई जरूरी नहीं है कि आपके साथ ही ऐसी घटना और दुर्घटना घटित हो ये देखने में आपको आएगा कि आसपास के माहौल में आज उग्रता है थोड़ा सा बोला नहीं कि लोग लड़ने के लिए तुरंत तैयार हैं और वहीं सौम्य दिनों में सौम्य बार में सौम्य में राशि में या सौम्य सौम्य नक्षत्र में चंद्रमा हो तो आप देखेंगे कि लोग सामान्य क्रोध वाली बात पर भी शांत रह रहे हैं ये इतना असर पड़ता है तो आज गुरुवार का दिन है सो संभल जाएगा मंगल के नक्षत्र में होकर के भी कोई विशेष परेशानी नहीं होने वाली है तो ये बाकी की ग्रह स्थिति आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली है आज क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए किन मामलों में आपको सावधान रहना चाहिए वो कौन से उपाय हैं जो आज, आज आपको अवश्य करना चाहिए इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे तो ये है ग्रह स्थिति इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है दैनिक राशिफल तैयार किया है वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं प्रिय दर्शकों सबसे पहले वो ज्योतिषीय सूत्र आपको बता दूं और इसके पश्चात हम भगवती की आराधना की ओर चलेंगे परिवर्तन ग्रहों का आपस में परिवर्तन या आप सदैव देखा करते हैं लोगों की कुंडलियों में मिल जाता है इस परिवर्तन के बारे में आप सदैव जानते हैं बहुत अच्छा होता है पिछले दिन में कार्यक्रम में मैंने बताया था कि जरूरी नहीं है कि सभी परिवर्तन अच्छे ही होंगे जैसे मान लिया जाए कि लग्नेश और षष्ठेश का परिवर्तन हो जाए लग्न का मालिक षष्ठ में और षष्ठ का मालिक लग्न में चला जाए तो क्या यह परिवर्तन श्रेष्ठ होगा तो कई बार परिवर्तन जरूरी नहीं कि अच्छा ही हो लेकिन कुछ परिवर्तन तो बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया जैसे जन्म कुंडली में लग्नेश और नवमेश का नवम का स्वामी लग्न में चला जाए लग्न का स्वामी नवम में आ जाए ये अपने आप में अत्यंत महानतम स्थिति है इसमें सब कुछ जातक को मिल जाएगा वैसे ही लग्नेश का पंचम में जाना और पंचमेश का लग्न में आना एक तरह से देखा जाए तो ये अत्यंत श्रेष्ठ योग माना गया है ऐसा जातक बेहद बुद्धिमान सरस्वती पुत्र आप ऐसे व्यक्ति को कह सकते हैं इतना बुद्धिमान और ऐसा जातक अपने कुल खानदान में सर्वोपरि सिद्ध होता है सर्वाधिक सफल सफलता वाली स्थिति में आता है उसके जैसा कोई सफल नहीं होता तो वहीं चतुर्थ और लग्न के स्वामी का परिवर्तन भी हर लग्न में नहीं लेकिन कुछ विशेष स्थितियों में चतुर्थ और लग्न के स्वामी भी परिवर्तन करें तब भी अब मान लिया जाए मिथुन लग्न की कुंडली हो तो वहां चतुर्थेश बुद्ध ही होंगे तो यहां तो परिवर्तन हो नहीं सकता तो बाकी के लग्नों में ऐसे अगर आप देखें अब धनु लग्न की कुंडली हो तो गुरु ही यहाँ चतुर्थेश होते हैं तो ये दो लग्न ऐसे हैं जहां ये नहीं बनेगा लेकिन बाकी के लग्नों में अगर आप देखें तो लग्नेश और चतुर्थेश का परिवर्तन भी जातक को कुल खानदान में सर्वोपरि सिद्ध करा देता है ऐसा जातक अपने खानदान में सर्वश्रेष्ठ तम अवस्था तक पहुंचता है अब हम चलते हैं आज के प्रयोग की ओर माँ भगवती की आराधना की ओर माँ भगवती शैलपुत्री की आराधना प्रिय दर्शकों हर वर्ष की भांति पिछले दो शायद पिछले नवरात्रि में या उससे भी पिछले नवरात्रि से मैं आपको ये बता रहा हूँ प्रयोग सर्व मंगल मंगल ले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण ने त्रम्ब गौरी नारायणी नमोस्तुते घर का कोई एक सदस्य घर का कोई एक बड़ा सदस्य घर का कोई छोटा सदस्य भी साध जिसके अंदर साधक हो जिसके अंदर आराधना की तीव्र लालसा हो ऐसा कोई व्यक्ति अपने पूरे परिवार के लिए संकल्प लेकर के पूरे परिवार के लिए इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि घर में जितने भी सदस्य हैं सबके लिए और कम से कम इस मंत्र का एक माला एक सौ आठ बार जप करें वर्ष पर्यंत घर में मंगल की स्थिति सुखद स्थिति रहेगी और आज माँ भगवती शैलपुत्री की आराधना घृत से करना चाहिए अब हर हर किसी घर में संभव नहीं है कि देवी की प्रतिमा उपलब्ध होगी अगर देवी की प्रतिमा उपलब्ध है तो चौकी लकड़ी की चौकी या किसी भी तरह के पूजन स्थल पर लाल चावल को चावल को लाल रंग से रंग करके अष्टदल कमल बनाइए और ऐसे अष्टदल कमल में माँ भगवती की प्रतिमा को विराजित करके पात्र में विराजित करके और उनका स्नान घी से कराइए पूजन इसके पश्चात पंचोपचार करके दसोपचार या राजो सोड़सो प्रचार राजोपचार जो आपके पास सुविधा उपलब्ध हो उनकी आराधना करके और फिर इस मंत्र का सर्वमंगल मंगल इस मंत्र का एक सौ आठ बार कम से कम अब आपके घर में सदस्यों की संख्या ज्यादा है तो प्रयास करिए कि ज्यादा से ज्यादा घर का कोई बुजुर्ग सदस्य जिसके पास समय हो वो कर ले कोई भी कर ले पूरे वर्ष मां की कृपा बनी रहेगी मां भगवती जगत जन्य की माँ शैलपुत्री की कृपा बनी रहेगी अब जिन घरों में मूर्ति नहीं है जो लोग ये व्यवस्था नहीं रखते वो क्या करें थोड़ा सा घी लेकर के किसी भी आसपास के करीब के मंदिर में चले जाएं, आज मंदिर में भीड़ भी बहुत होगी लेकिन फिर भी आप प्रयत्न करिए मंदिर में जाकर के और पुजारी जी को दे दीजिए और संभव हो तो माँ के पास जाकर के वो अर्पित करवा दीजिए अब जाहिर सी बात है कि मूर्ति कई ऐसी होती हैं जहाँ पर सीधा सीधा मूर्तियों पर घी अर्पित करना तो संभव है ही नहीं तो आप वहीं पर पास में श्रद्धा से मन से बस कल्पना कर लीजिए कि माँ को मैं इसी घृत से स्नान करा रहा हूँ याद रखिएगा कि जो चीज चढ़ाने से नहीं मिल सकता श्रद्धा भाव से केवल कल्पना करने भर मात्र से वह हो जाएगा तो आपके मन में ये उत्पन्न होगा कि फिर घी ले जाने की भी क्या जरूरत है हम मन में जाकर के कल्पना ही कर लेते हैं हां यह भी आप कर सकते हैं लेकिन उचित ये होगा कि वही घी काम आ जाएगा मंदिर में आपका एक छोटा सा सहयोग मंदिर में इस समय जरूरत आ जाएगा काम आ जाएगा तो आप वो घी दे दीजिए वहां पर और मन से कल्पना करिए कि माँ का स्नान करा रहा हूं मैं घृत से फिर आप कृपा माँ की अवश्य देखेंगे अब चलते हैं राशिफल की ओर बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके ष्ठ में है आज सप्तम में आ जाएंगे सप्तम में आते ही गजकेसरी योग का निर्माण होगा सो कोई महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं तो आज दिन के उत्तरार्ध में कर सकते हैं जो भी फैसला लेना है ले लीजिए फायदा आपको होगा कोई नया काम शुरू करें तो नया काम शुरू मत करिए बल्कि जो काम जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्यतः मैं बढ़िया देख रहा हूँ कल की अपेक्षा आज का दिन काफ़ी बढ़िया है व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो आज का दिन बहुत बढ़िया है परंतु व्यापारी वर्ग किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा न बने विशेष करके आज दिन के उत्तरार्ध में विवाद की संभावना है सो अपने वाणी पर आप संयम रखिएगा और आज मेष राशि के जातक किसी पर भरोसा न करें विशेष करके कोई महत्वपूर्ण कार्य है तो उसमें खुद पर ही भरोसा करिए किसी और पर नहीं अविवाहित हैं तो दिन बढ़िया रहने वाला है विवाहित हैं तो भी खराब नहीं है हाँ जीवन साथी से थोड़ा मतभेद हो सकता है विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य सामान्य रहने वाला है बाकी कहीं कोई स्वास्थ्य में दिक्कत तो नहीं है सब तरफ से ठीक है आज मां भगवती जगदम्बा का घर पर आगमन हो रहा है नवरात्रि का प्रथम प्रथम दिन सो घर में ही घर के मंदिर में ही घी का दिया जलाइए माँ का घी से ही आज स्नान कराना है घी से ही उनका स्नान कराइए घी का दिया अवश्य जलाइए माँ की कृपा होगी लखी अंग चार लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है निवेश करते हैं तो ना करें और वृषभ की बात करें तो चंद्रमा का राशि से आज पंचम में होना आपके षष्ठ में आ जाएंगे दस बजे के बाद तो देखा जाए तो आज वाणी पर भी नियंत्रण रखना है और नकारात्मक विचार और नकारात्मक माहौल नकारात्मक लोग ऐसे लोग जिनके अंदर केवल एक ही बात भरी पड़ी है निंदा शिकायत ऐसे लोगों से ज़रा दूर रहिएगा इनसे दूर रहना ही समझ लीजिए आपके दिन को फ़ायदा पहुंचाने वाला है कोई नया काम अभी करने की सोच रहे हैं तो इस विचार को स्थायी रूप से भी त्याग करके रखिए अभी फिलहाल कुछ नया नहीं करना है और नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो दिन तो सामान्य है कार्यस्थल पर थोड़ी परेशानी होगी व्यापारियों के लिए भी आज परेशानी भरा है दिन छोटी मोटी परेशानियां बनी रहेगी कानूनी अड़चने परेशान आपको करेंगी प्रॉपर्टी इत्यादि से संबंधित काम है तो आज हो सके तो न ही करिए कार्य में विवाद और परेशानी की संभावना है और किसी भी कार्य के लिए दूसरों के भरोसे मत बैठे रहिए अगर आप वृषभ राशि के हैं नहीं तो दिक्कत होगी प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं कह सकता प्रेम संबंध में परेशानी तूतू मैमे की संभावना जीवन साथी की सेहत को लेकर के आज थोड़े परेशान होंगे और विद्यार्थी ओवर कॉन्फिडेंस के चलते मारे जाएंगे यानी ओवर कॉन्फिडेंस ही आपको मुसीबत में डालेगा तो जरा सा ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए इस बात का तो ख्याल रखिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बदन दर्द और कमर दर्द की शिकायत मां भगवती जननी जगदम्बा की आराधना करिए नवरात्रि का प्रथम दिन मां शैलपुत्री की आराधना करिए और जाकर के उन पर घी अर्पित करिए आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य ही कर लीजिएगा लकी अंक आपके लिए चार लकी कलर आपके लिए हल्का पीला है निवेश आपको नहीं करना मिथुन की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके प्रत्येक कार्य के लिए लाभदायी सिद्ध होने वाला है मन में अगर पैसों को लेकर के बहुत दिनों से कुछ ना कुछ चल रहा है तो समझ लीजिए कि आज उस पर काम करिए और आपको लाभ होगा कोई विचार आपके दिमाग में अगर आया हुआ है एक्स्ट्रा धन अर्जित करने का तो कदम उठाइए आपको फायदा मिलने वाला है कार्यक्षेत्र की ही अगर हम बात करें तो बढ़िया रहने वाला है दिन मान सम्मान मिलेगा सहयोग मिलेगा कार्यस्थल पर कोई जरूरी कागजी काम है उन्हें निपटाने के लिए उन्हें उन्हें पूरा करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है बस आज मिथुन राशि के जातक किसी भी मामले में लापरवाही न करें लापरवाही से बड़ा नुकसान होगा चाहे वो बड़ा हो या छोटा कोई कुछ कह रहा है तो उसकी बात को एक बार सुनिए ध्यान से व्यापारियों के लिए मैं बढ़िया देख रहा हूं दिन व्यापार में लाभ भी मिलेगा और व्यापारिक संबंध बनने वाले हैं बड़े व्यापारियों से संबंध बनने वाले हैं लाभ की स्थिति तो बनी रही है किसी भी निर्णय में को पहुंचने के लिए किसी भी तरह का निर्णय करने के लिए आज जल्दबाजी नहीं करना चाहिए आज मिथुन राशि के जातकों को प्रेमी का मूड बढ़िया दिखाई पड़ रहा है दाम्पत्य जीवन भी लगभग ठीक है लगभग इसलिए कहा कि जीवन साथी को अगर वर्किंग है तो उनके कार्यक्षेत्र में थोड़ी परेशानी होगी इससे वो हो सकता है थोड़ा उदास थोड़ी परेशान हो और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपको भी थकान होगा मानसिक थकान परेशानी की स्थिति दिखाई पड़ रही है आज का दिव्य महाप्रयोग करिए माँ भगवती जगत जगतजननी माँ शैलपुत्री की आराधना अवश्य करिए मंत्र जो बताया है उसका जब करिए माँ को घी अर्पित करिए मां की कृपा होगी लकी अंक दो लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है निवेश आप कर सकते हैं तो बात वहीं कर्क की करें तो दिन आपके लिए हर प्रकार से बढ़िया है चंद्रमा का राशि से तृतीयस्थ होना इसके पश्चात चतुर्थस्थ हो जाएंगे तो धन के दृष्टिकोण से सफलता के दृष्टिकोण से मान सम्मान के दृष्टिकोण से बहुत लाभप्रद रहने वाला है दिन नौकरी में आज कोई अच्छी सूचना मिलने वाली है किसी पुराने मित्र की सहायता से आपका कोई काम बनने वाला है और नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो समझ लीजिए कोई पुराना मित्र ही आपके लिए सहयोगी होगा कार्यक्षेत्र की ही अगर हम बात करें तो उच्चाधिकारी आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होंगे कार्यस्थल पर दिन भर आज व्यस्तता बनी रहेगी लेकिन यूँ समझ लीजिए कि आपकी व्यस्तता का आपको लाभ मिलने वाला है व्यापारियों के लिए दिन मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूँ कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं तो पूरे विचार के साथ विचार करके निवेश करिए लाभ होगा और यात्रा का कार्यक्रम अगर आपने बना रखा है कहीं यात्रा करने वाले हैं कहीं जाने वाले हैं तो यात्रा कर सकते हैं यात्रा आपकी लाभप्रद होने वाली है हाँ वाहन स्वयं आज संचालित मत करें वाहन चलाने से बचिए या बहुत सावधान होकर के चलाइए क्योंकि दुर्घटना की संभावना है प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए सफलता मिलेगी विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है दिन अच्छा है आपके लिए और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक परेशानियों का सामना थोड़ा सा करना पड़ सकता है आज कर्क राशि के जातकों को दिव्य महाप्रयोग करिए माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा की आराधना करिए माँ शैलपुत्री को घी अर्पित करिए लकी अंक पांच लकी कलर का थई है निवेशा करें सिंह की बात करें तो चंद्रमा का राशि से द्वितीय होना मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा और देखा जाए तो तृतीय हो जाएंगे वाणी पर नियंत्रण रखना होगा किसी पुरानी चिंता से मुक्ति मिलने वाली है और दिमाग भी आज आपका अच्छे से काम करेगा कोई टेंशन कोई परेशानी थी उससे मुक्ति का आप रास्ता ढूंढ निकालेंगे कार्यस्थल पर भी दिन मैं ठीक ठाक ही देख रहा हूँ प्रदर्शन आपका बढ़िया है जरूरत पड़ने पर मदद आपको मिल जाएगी लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा आज किसी बुजुर्ग का अपमान मत करिएगा चाहे वो सामान्य रिक्शा चलाने वाला ही क्यों ना बड़े से लेकर के छोटा किसी बुजुर्ग के अपमान से ही आप मुश्किल में पड़ेंगे जरूरत पड़ने पर आपको दोस्तों से सहयोग मिलने वाला है व्यापारियों के लिए भी व्यापार में अच्छी स्थिति में दिखाई पड़ देख रहा हूँ व्यापार में फायदे के योग हैं और मेहनत आज थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है लाभ भी पूरा पूरा मिलेगा तो फिर से दोहरा देता हूं किसी बुजुर्ग का अपमान मत करिएगा उसको नीचा दिखाने की कोशिश मत करिएगा जीवन साथी से सहयोग और धन लाभ होने वाला है प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर दीजिए और विद्यार्थियों की बात करूं तो नकारात्मकता आज के दिन में दिखाई अवश्य पड़ रही है लेकिन आप सावधान रहें तो कोई नकारात्मक स्थिति नहीं है कहीं कोई दिक्कत नहीं स्वास्थ्य के मामले में पेट जन्य रोगों की संभावना है तो जाहिर सी बात है नवरात्रि का प्रारंभ हुआ है खान पान पर पूरी तरह से नियंत्रण रखिए और लकी अंक आपके लिए एक लकी कलर आपके लिए आज पिंक है माँ भगवती जगत जननी की आराधना करिए माँ शैलपुत्री की आराधना करिए घृत घी अर्पित करके सभी कामनाएं उसी से पूर्ण होंगी तो आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा कन्या की बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि पर होना इसके पश्चात ये राशि परिवर्तन करके धन भाव में जाएंगे मंगल के नक्षत्र में आपको भी अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा धनलाभ के संयोग हैं परिवार के मध्य अगर कोई तनातनी समस्या चल रही है तो उसका निपटारा होगा हालांकि पहले विवाद होगा इसके बाद ही निपटारा होगा कोई अच्छी खबर भी आपको मिलेगी और कार्यस्थल पर देखें तो ठीक ठाक ये दिन कहीं कोई दिक्कत नहीं अपनी बुद्धिमत्ता अपने ज्ञान से अपने सभी काम पूरे कर सकते हैं और करवा सकते हैं परन्तु आज दुर्घटना की संभावना है पेट में जलन की शिकायत की संभावना है और आंखों से संबंधित परेशानियों की संभावना है दुर्घटना से बचना है वाणी पर नियंत्रण रखना है दोस्तों या परिवार के अन्य सदस्य इनसे सहयोग तो मिलेगा लेकिन किसी भी तरीके से इनका अपमान मत करिएगा व्यापारियों के लिए लाभप्रद रहने वाला है दिन शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो लाभ आपको होने वाला है और कन्या राशि के जातक अपनी योजनाओं पर किसी से आज चर्चा न करें किसी से इसके बारे में बात न करें नहीं तो नुकसान होगा अविवाहित है तो विवाह से संबंधित चर्चा हो सकती है विवाह से संबंधित बात हो सकती है और विवाहित है तो जीवन साथी नाराज है उन्हें मनाने की कोशिश आपको करनी चाहिए जीवन साथी को मनाने का प्रयत्न करिए विद्यार्थी आज कन्या राशि के जितने भी हैं उनके लिए दिन अनुकूल रहने वाला है आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थियों अच्छा परिणाम देने वाला है दिन और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं आज का दिव्य महाप्रयोग करिए माँ भगवती जगत जननी की आराधना करिए माँ शैलपुत्री को घृत अर्पित करिए माँ की कृपा से सभी बिगड़े काम बन जाएंगे लकी अंक दो लकी कलर आपके लिए पीला है निवेश अवश्य तो करिए तुला की बात करें तो चंद्रमा का राशि से बारहवें होना इसके पश्चात ही आपकी राशि पर ही आएंगे योग का निर्माण होगा आप अपनी बुद्धिमत्ता से हर काम कर सकते हैं सफलता भी मिलेगी लेकिन उग्रता से जल्दबाजी से धैर्यवीनता से हर बने काम को बिगाड़ेंगे तो जरा सा रुकीये ठहरिए समझिए विचार करिए तब फैसला करिए कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं उनसे मदद मिलेगी परंतु किसी का भी अपमान मत करिएगा और पूर्व से चला रहा कोई विवाद कोई परेशानी कोई टेंशन की स्थिति थी वो सुलझने वाली है बात वहीं अगर व्यापारी वर्ग की करूँ तो अनुकूल रहने वाला है दिन विशेषकर अगर देखा जाए तो शाम होते होते धन से जुड़ा कोई नया और बड़ा अवसर आपको प्राप्त होगा लेकिन इन सभी मामलों में मैं तुला राशि के जातकों को आज पूरी तरह से सावधान करना चाहता हूँ किसी का अपमान नहीं करना है याद रखिएगा कि अपमान आप थोड़ा करेंगे लेकिन विपरीत से आज आपका ज्यादा अपमान होगा यानी आप अगर ऐसे किसी माहौल या परिस्थिति का हिस्सा बन जाते हैं जहां तनाव की स्थिति है विवाद की स्थिति चाहे जीवन साथी के साथ क्यों ना हो तो अपमानित होना पड़ेगा फिर से दोहरा देता हूं कि जीवन साथी या प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिएगा इस रिश्ते में मजबूती आएगी विद्यार्थियों के समय बहुत अच्छा रहने वाला है मन पढ़ाई में लगेगा मेहनत जितना हो सके करिएगा मेहनत से मन मत हटाइएगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी सी परेशानी तो है ही आंखों में जलन की शिकायत दिखाई पड़ रही नींद से संबंधित परेशानी की स्थिति दिखाई पड़ रही है लकी अंक चार लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है आज का दिव्य महाप्रयोग करिए माँ भगवती जगत जनना जननी जगदम्बा की आराधना करिए शैलपुत्री की आराधना करिए उन्हें घृत अर्पित करिए सभी बिगड़े काम इसी से बनेंगे। तो वहीं वृश्चिक की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का राशि से लाभस्थ होना उसके पश्चात तो दस बजे के बाद ये चंद्रमा राशि से व्ययस्थ हो जाएंगे व्यय में चले जाएंगे सो जरा सावधान रहना होगा और सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक बार में कोई काम हो गया तो उसे दोबारा चेक कर लीजिएगा आज गलती की संभावना बहुत ज्यादा है आर्थिक स्थिति देखें तो बहुत अच्छा नहीं कहूँगा थोड़ी चिंता होगी धन को लेकर के व्यापारी वर्ग की बात करूँ तो व्यापार से संबंधित यात्रा यात्रा लाभप्रद नहीं है चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है कार्यस्थल पर भी अधिकारियों को मैं देख रहा हूँ कि आपसे हो सकता है थोड़े नाराज हों माहौल भी ऑफिस का कुछ ठीक ठाक नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आज आपको अपने मेहनत अपने लगन पर ही भरोसा करना है जितना हो सके समझदारी के साथ काम करना है तो दिक्कतें नहीं आएंगी या कम से कम आएंगी और वही बात व्यापारियों की करें तो दिन मेहनत भरा रहेगा विशेष करके पैसों से संबंधित अगर कोई लेन देन का मसला है तो जरा सावधानी रखें और बिना सोचे समझे बोलने से एकदम बचिए नहीं तो काम आपका अवश्य बिगड़ेगा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देखें तो जीवन साथी से फायदा मिलने वाला है सुख और प्रेम मिलेगा और विद्यार्थियों के लिए भी अगर देखें तो समय ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है कहीं कोई दिक्कत नहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी बेचैनी है बाकी ऐसे कोई परेशानी नहीं लकी अंक तीन लकी कलर आपके लिए आज पीला है आज का दिव्य महाप्रयोग करिए माँ भगवती जननी की आराधना माँ शैलपुत्री को घृत अर्पित करिए माँ की आराधना से सब कुछ ठीक हो जाएगा और बात धनु की अगर हम करें तो चंद्रमा का राशि से दसमस्त होना इसके पश्चात ये लाभस्थ हो जाएंगे मंगल के नक्षत्र में है ये चंद्रमा तो मन ठीक है आपका मन खुश है ऊर्जा भी जबरदस्त फायदा मिला है कुछ लाभ मिला है लाभ मिलेगा हालांकि एक परिस्थिति आज दिखाई पड़ रही है कि किसी बच्चे के सहयोग से या बच्चे की कोई बात आपको अगर समझ में आ जाए हो सकता है घर का ही कोई छोटा बच्चा हो आपको कोई बड़ा फायदा मिलने वाला है ऑफिस में कोई पहल करने की सोच रहे हैं या ऑफिस में कोई जिम्मेवारी आपको मिली है कदम आगे बढ़ाइए दिन आपके लिए बहुत अच्छा है जो भी काम करेंगे उसका पूरा परिणाम आपको मिलने वाला है क्योंकि अधिकारी वर्ग भी आपसे पूरी तरह से प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं तो वही बात व्यापारियों की करें तो दिन बहुत अच्छा है विशेष करके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम है तो उसे पूरा करने के लिए उसे शुरू करने के लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए कहीं धन फंसा हुआ था उसे पुनः प्राप्त करने के लिए आप बस प्रयत्न शुरू करिए काम बनेगा कोई कानूनी अड़चन थी परेशानी थी मामले थे वो निपटेंगे जल्दबाजी में आकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा समय बीतेगा प्रेमी से भी आज आपको प्रेम मिलने वाला है प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया और विद्यार्थियों की बात करूँ तो अत्यंत सफलता प्रदायक है दिन समय हर प्रकार से बढ़िया है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है हर तरह से स्वास्थ्य भी बढ़िया और आज का दिव्य महाप्रयोग करिए माँ भगवती जगत जननी माँ शैलपुत्री की आराधना करिए उन्हें घृत अर्पित करके लकी अंक दो लकी कलर आपके लिए आज लाल है निवेश आप अवश्य करिए तो वहीं मकर की हम बात करें तो देखा जाए तो चंद्रमा का राशि से भाग्यस्थ होना नवमस्थ होना और दशम में आ जाएंगे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके गजकेश्वरी योग का लाभ मिलेगा आपको मंगल के नक्षत्र में है चंद्रमा निसंदेह काम आपके बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन आज क्रोध से बचिएगा पिता का अपमान नहीं करना घर में अगर बुजुर्ग हैं माता पिता उनका अपमान ना करिए तो दिन ज़्यादा खुशनुमा बीतेगा सामाजिक मामलों में अगर आप कहीं हिस्सा ले रहे हैं बढ़ चढ़ करके आगे काम कर रहे हैं हिस्सेदारी ले रहे हैं जरा सतर्क और सावधान रहेगा किसी गलत फहमी के तहत आपकी बदनामी हो सकती है यानी करेगा कोई और बदनामी आपकी होगी तो जरा सा अगर सामाजिक कार्यों के कहीं साल बन रहे हैं सतर्क रहिए है। नौकरी पेशाएं तो कार्यस्थल पर दिन ठीक ही है आपके द्वारा लिया गया फैसला आपको फायदा देगा और व्यापारियों को व्यापार में ज्यादा रिस्क न लेने की सलाह देता हूं विशेष करके शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश आज मत करिए किसी को पैसा उधार देने से बचिए उधार दिया हुआ पैसा भी आज वापस नहीं मिलेगा और निवेश नहीं करना है प्रेम संबंध के लिए देखा जाए तो दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है दाम्पत्य जीवन सुखद है दाम्पत्य जीवन में कहीं कोई दिक्कतें और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आपको परेशान करेगा तो पुराने रोगों से परेशानी हो सकती है सावधानी बरतिएगा आज का दिव्य महाप्रयोग करिए मां भगवती जगत जननी जगदम्बा की आराधना करिए मां शैलपुत्री के ऊपर घृत अर्पित करिए मां की कृपा होगी लकी अंक दो लकी कलर ग्रे है निवेश आप ना करें कुंभ की बात करें तो चंद्रमा का राशि से अष्टमस्थ होना भाग्यस्थ हो जाएंगे दस बजे के बाद मंगल के नक्षत्र में सो भाग्य का साथ मिलना धीरे धीरे शुरू होगा लेकिन कठिनाइयाँ उलझने पूरी तरह से भी सुलझेंगी नहीं आज के दिन को हो सके तो शांति से और बिताइए जितना हो सके दूसरों की मदद करिए दूसरों के मन में आपके प्रति अच्छे विचार उत्पन्न कराइए ये कैसे होगा जब आप सबकी मदद करेंगे तो लोगों के मन में आपके प्रति अच्छी भावना आएगी ही ये सहज रूप से हो सकता है नौकरी व्यवसाय दोनों ही पक्ष में अगर देखें तो मैं दिन को बहुत बढ़िया तो नहीं कहूँगा हाँ काम में मन लगेगा काम होगा भी धन लाभ भी होगा निवेश के मामले में आपको पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहना होगा वाणी पर संयम रखना होगा और अपने जीवन साथी के साथ जितना हो सके मधुर व्यवहार करिए विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण कहा जाएगा आज के दिन को मेहनत से पीछे मत हटिए और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग फिर से ताजा हो सकते हैं स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है जरा सतर्क और सावधान रहिएगा लकी अंक तीन है आपके लिए लकी कलर आपके लिए सफेद है आज का दिव्य महाप्रयोग करिए जगत जननी जगदम्बा की आराधना जो मैंने आपको बताई है वो अवश्य कर लीजिएगा माँ शैलपुत्री को घृत अर्पित अवश्य करिए मीन की बात करें तो परिवर्तन हो रहा है आपके लिए चंद्रमा राशि से ष्ठस्थ थे अब सप अष्टमस्थ सप्तमस्थ थे अष्टमस्थ हो जाएंगे मंगल के नक्षत्र में ये परिवर्तनकारी स्थिति बनती है परिवर्तन कराता है नौकरी में ट्रांसफर नौकरी में कार्यस्थल पर ही हो सकता है यहाँ बैठते थे तो कहीं और बैठने के लिए कहा जाएगा कोशिश करते रहनी है हर कार्य पूरा होगा लेकिन सतर्क होकर के आगे बढ़िए जल्दबाजी मत करिए वाणी पर नियंत्रण रखिए किसी को नीचा मत दिखाइए वाहन चलाने में सावधानी बरतीगा दुर्घटना होगी आज कटने छिलने जलने की संभावना है और व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है कार्यस्थल पर साथ के लोग या व्यापारिक लोग अगर कहीं मीटिंग है तो असहमति की संभावना बहुत है आपको बड़ा धैर्य रखना होगा आज धैर्य भी रखना है और अपने आप को बेहद मजबूत बनाए रखना है माहौल कुछ ऐसा बनेगा कि नेगेटिविटी नकारात्मक ऊर्जा पर हावी हो घबराइएगा मत अपनी योजना किसी को बताइएगा मत गुप्त रखिए प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है सदैव कदमों से आगे बढ़िए सतर्क रहिए प्रेमी से बातचीत करते समय सावधान रहिए विद्यार्थियों के लिए समय को मैं बहुत अनुकूल नहीं कहूँगा जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और आपके खुद के स्वास्थ्य में पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना है सावधान रहिएगा लकी अंक आपके लिए आठ और लकी कलर आपके लिए आज हरा है माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा की आराधना करिए माँ शैलपुत्री को घृत अर्पित करिए हर तरह के कष्ट दुख परेशानी से समस्या से मुक्ति मिल जाएगी तो मां की कृपा होगी तो परेशानी से मुक्ति अवश्य मिलेगी ये प्रयोग कर लीजिएगा तो प्रिय दर्शकों यथा मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन हाल अभी के लिए बस इतना ही इजाजत दीजिए पुनः मुलाकात हो तब तक के लिए नमस्कार